अगर आप बाल लंबे कर रहे हो और अगर वो इतने लंबे नहीं हुए हैं जिनमें आप उन्हें स्टाइल कर सको, लेकिन वो इतने छोटे भी नहीं रहे जिसमें वो आपको एक क्लीन लुक दे सकें, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने हूँ वो 5 हेयर स्टाइल्स जिन्होंने मेरे ऑकवर्ड स्टेज में मेरी बहुत हेल्प की थी और वो आपके ऑकवर्ड स्टेज में भी आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। अब मैंने अपना लास्ट अंडरकट 2019 के अक्टूबर या नवंबर में लिया था और अब मुझे लगभग बाल बढ़ाते हुए 1.5 इयर्स हो चुके हैं और मैं अपने आप को इस ऑकवर्ड स्टेज के बिल्कुल एंड मार्जिन पे समझता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हम इस चैनल पे मेंस हेयर और मेंस ग्रूमिंग से रिलेटेड बात करते हैं, तो अगर आप इनमें से किसी में भी इंटरेस्टेड हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो चलो शुरू करते हैं आज की पहली हेयर स्टाइल के साथ, जो कि है क्लासिक मैन बन। अब ये हेयर स्टाइल वेस्टर्न कंट्रीज में हमेशा से पॉपुलर रही है, स्पेशली 2017-18 में, और अब जब मैंने बाल लंबे कर लिए हैं तब मैन बन मेरा गो टू ऑप्शन होता है। मुझे कहीं पे भी जल्दी जाना हो, कहीं भी जिम जाना हो, कभी कोई घर पे एकदम से आ जाए, तब से सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट हेयर स्टाइल मेरे को मैन बन लगती है। जस्ट अपने बालों को पकड़ो, नॉट अप करो एंड यू आर रेडी विद योर मैन बन। अब मैं बन कैसे बांधता हूँ, मैं जब भी बाल धोकर आता हूँ तब उसे नेचुरली बिना हेयर ड्रायर के सुखा के मैं उसमें 2-3 ड्रॉप्स हेयर ऑयल लगा देता हूँ जिसमें उसमें होल्डिंग कैपेसिटी आ जाए। उसके बाद मैं अपने बालों को कॉम कर लेता हूँ जस्ट सो दैट मेरे जो वेवी हेयर हैं वो सीधे हो जाएं, एंड देन आई सिंपली पुट देम टुगेदर एंटायर नॉट। मैं अपने सारे बालों को अपने राइट हैंड में पकड़ लेता हूँ मैं अपने सारे बाल राइट हैंड में होल्ड कर लेता हूँ एंड देन अपने लेफ्ट हैंड से रबर बैंड लेते हुए 2 प्रॉपर नॉट्स बांधता हूँ एंड उसके बाद एक हाफ नॉट बांधता हूँ जस्ट टू मेक दैट मैन बन पॉप आउट। तो चलो चलते हैं हम अपनी अगली हेयर स्टाइल पे जो कि है हाफ मैन बन। अब अगर आपका बिल्कुल भी छोटा सा भी मैन बन नहीं बन रहा है, आपके सारे बाल एक साथ होल्ड नहीं हो पा रहे हैं, तो हाफ मैन बन उस चीज़ का सबसे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। मैं अब भी बहुत बार ये हेयर स्टाइल बनाता हूँ, आई जस्ट लव दिस हेयर स्टाइल, मेरे को ये हेयर स्टाइल बहुत पसंद है। अब इसे बनाना कैसे है, सेम उसी तरीके से आप इसे बनाने से पहले अपने बालों को कॉम कर लो ताकि आपके जितने भी बाल टैंगल्ड हैं वो स्ट्रेटन अप हो जाएं। अब अपने बालों को स्ट्रेटन अप करने के बाद अपने बालों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, आपके ऊपर वाले हेयर और आपके नीचे वाले हेयर। अब आपके ईयर्स के अपर वाले पार्ट में जितने भी बाल हैं उसे पोर्शन 1 में रखो और उसके नीचे वाले बालों को पोर्शन 2 में। अब जो आपने पोर्शन 1 में बाल रखे हैं उन्हें एक साथ होल्ड करो और अपने दूसरे हाथ से 2 नॉट्स बांध के हाफ मैन बन बना लो। प्रोटिप, अगर आपके साइड के बाल जो यहाँ वाली लेंथ के होते हैं वो पीछे तक अगर नहीं आ पा रहे हैं तो आप उन सबको एक साथ पकड़ो, होल्ड करो एंड देन उसे बॉबी पिन से टाई अप कर लो और ट्राई करना कि आप इस हेयर स्टाइल के साथ थोड़ी सी बियर्ड रख सको, इससे आपको एक मस्त समुराई वाला लुक मिलेगा। तो चलो हम चलते हैं अपनी अगली हेयर स्टाइल पे जो कि है मेसी साइड पार्टीशन। अब ये हेयर स्टाइल सबसे ज़्यादा यूजफुल होती है आपके ऑकवर्ड स्टेज के पहले हाफ में। पहले हाफ से मेरा मतलब ये है कि जब आपके बाल इतने लंबे नहीं हो पाए हों जिनसे आप हाफ मैन बन भी बांध सको, पर आपके बाल इतने लंबे हो गए हैं कि वो कान से निकलना शुरू हो गए हैं और आपको लग रहा होगा कि अब मुझे बाल कटवा लेने चाहिए, बिलीव मी ये वाले हेयर स्टाइल तब के लिए सबसे बेस्ट है। अब इसे बनाने के लिए अपने हेयर वॉश के बाद और उन्हें नेचुरली सुखाने के बाद अपने बालों में 2-3 ड्रॉप्स कोकोनट ऑयल लगा लो जस्ट सो दैट मेक होल्डिंग कैपेसिटी आ जाए। अब इसके बाद अपने 2/3 हेयर एक साइड और 1/3 हेयर एक साइड। अब मैं अपने 2/3 हेयर को राइट हैंड साइड फॉल कराता हूँ और बाकी ये 1/3 को लेफ्ट हैंड साइड। अब इसे सिंपल शब्द में बोलूँ तो बचपन में जो मम्मी अपने बालों के साइड पार्टीशन करती थी बस वही। अब प्रो टिप, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है, जो आपका 1/3 पोर्शन है, उसे आप अपने लेफ्ट वाले ईयर के पीछे की तरफ पुश करो जिससे आपका ईयर विजिबल रहे, और जो आपका राइट साइड वाला पार्टीशन है उसे आप अपने ईयर्स को कवर करो, उससे आपको एक क्लासिक लॉन्ग हेयर वाला लुक मिलेगा और तुम्हारे रेफरेंस के लिए तुम्हारा ऑल टाइम फेवरेट कैरेक्टर तो है ही। तो चलो हम चलते हैं अपनी अगली हेयर स्टाइल पे जो कि है स्लीक बैक लुक। अब ये हेयर स्टाइल उन दिनों के लिए है जब आप अपने मैन बन से बोर हो चुके हो और आप अपने लंबे बालों से एक बैडस वाला लुक पाना चाहते हो। अब इसे बनाने के लिए जब आप हेयर वॉश करके आओ और आपके बाल थोड़े से सूख जाएं और थोड़े से गीले रह जाएं, मतलब जब वो थोड़े बीच के रह जाएं, तब अपने बालों को थोड़ा पीछे की तरफ कॉम कर लो, अपनी ब्लैक टी शर्ट पहनो, ऊपर से अपना लेदर जैकेट पहनो, नीचे से लेदर बूट्स पहनो और अपनी स्प्लेंडर लेके निकल जाओ। क्या लग रहे ले भाई तुम। तो ये थी मेरी 4 आज की वो हेयर स्टाइल जिन्होंने मेरे ऑकवर्ड स्टेज में मेरी बहुत हेल्प करी थी एंड आई होप ये आपकी भी उतनी ही हेल्प करे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर इस वीडियो ने आपको हल्की सी भी हेल्प करी हो तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में।